गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज 21st ऑफ अप्रैल। क्लास वी आर हियर टू सॉल्व एक्सरसाइज 1D। सो वी आर इन चैप्टर 1, रैशनल नंबर। द एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। आई विल सॉल्व 1-1 क्वेश्चन ऑफ ईच सम। देर आर मैनी मोर सब पार्ट्स, बट आई विल सॉल्व 1 or 2 फॉर यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इट्स फर्स्ट पार्ट इज 3/5 इंटू -7/8। द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस सेज वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, मीन्स 3 × 7 -7 एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। और ये कब करना है? जब कोई नंबर ऊपर नीचे कट नहीं रहा है। पहले कोशिश करेंगे कि अगर नीचे और ऊपर में कोई कॉमन डिवाइज़र है तो उसको काट देंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3 × -7 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो व्हाट शुड बी आंसर? -21/8 × 5 = 40। दिस इज योर आंसर। वन मोर पार्ट, 12th पार्ट हम कर देते हैं। -13/5 × -10। देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो आई विल राइट 1 हियर। सो व्हाट इट शुड बी रिटन एज, हाउ इट शुड बी रिटन एज? -13/5 × -10/1। इज देर एनी नंबर विच कैन बी कैंसल्ड? येस, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। सो वट शुड बी द आंसर? 13 × 2 = 26 और -± +, 26 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हेयर द क्वेश्चन इज वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। क्वेश्चन इज 3/7 × -5/9 इज इक्वल टू -5/9 × 3/7। वी हैव टू वेरीफाई विच वन साइड इज दिस। दिस वन इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। आई यूज टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। हम अलग अलग सॉल्व नहीं करते हैं, मेरे को ये ज़्यादा आसान लगता है कि एक साथ इधर से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड। अभी पहले चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कैंसिल हो रहा है। तो ये तो क्वेश्चन था, तो यहाँ नहीं सॉल्व करके नेक्स्ट नीचे सेल्फ सॉल्व करते हैं। 3/7 × -5/9 = -5/9। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ लगा है यहाँ पर, जो कि आंसर हर हाल में इक्वली आएगा। ये 3 के टेबल पर कट रहा है। सो आंसर इज -5/7 × 21 = -5/7 × 21। तो RHS LHS आर इक्वल, आंसर इज वेरीफाइड। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करती हूँ। -8 × -13/12 इक्वल -13/12 × -8 -8। नाउ लेट अस सी कि क्या कोई नंबर कट रहा है। सबसे पहले तो -± हो गया, इसको आप वैसे भी छोड़ सकते हो, तो मैंने -± यहाँ छोड़ दिया। 8 × 13/12 यहाँ 8 × 1 कर दिया, यहाँ भी -± हो गया, 13/12 × 8/1। देखो 4 के टेबल में 8 और 12 कट रहा है। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ऐसे करोगे ना तो बहुत सिंपल लगेगा, लेंदी नहीं लगेगा सम। तो 13 × 2 = 26, 3 × 1 = 3, 13 × 2 = 26, 3 × 1 = 3। अगेन यू कैन से आंसर वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, हेयर अगेन इट इज वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर ज़रा ध्यान दिया जाए कि एक रैशनल नंबर है इंटू दूसरा रैशनल नंबर इंटू तीसरा रैशनल नंबर। ये एसोशिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी थी, यहाँ एसोशिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। मतलब आपके पास जो 3 नंबर यहाँ है वही 3 नंबर यहाँ है, हमने खाली ऑर्डर चेंज करा है, और ऑर्डर चेंज करने के बाद हमको ये वेरीफाई करना है कि आंसर्स इक्वल हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट मैं अब एक एक सम सॉल्व करूँगी, टाइम हो रहा है ज़्यादा। 5/7 × 12/13, इसमें ब्रैकेट देने का मतलब है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बॉडमास कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। 5/7 × 12/13 × 7/8।
अब देखो मेरे को नजर आ रहा है कि तीनों नंबर एक जैसे हैं, तो आंसर तो बराबर आना ही है। बस ये हमको सॉल्व करके दिखा देना है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं। 12 5 60, 13 7 91, इंटू 7 by 18 इक्वल 5 by 7 इंटू 12 7 80। यहाँ 12 और 8 कैंसिल हो रहे हैं, सॉरी 7 by 18 है ये। 6 2 12, 6 3 18, 7 2 14 और 13 3 39। अभी देखो, अब इसको हम नेक्स्ट पे टर्न कर देते हैं। 60 by 91, 60 by 91 इंटू 7 by 18, इसको इक्वल दिखाना है 5 by 7 इंटू 14 by 39। देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 13 7, 6 3 और 6 10, 10 1 10, 13 3 39। हेयर अगेन 5 2 10, 13 1 39, बोथ द साइड्स आर इक्वल, आंसर इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो बहुत इजी है बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ दो नंबर हैं, यहाँ 18 दिया है, ये वाला मिसिंग है, इसको लिख देना है, जो मिसिंग नंबर है उसको भर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जो नंबर दिया गया है उसका रेसिप्रोकल जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 13 by 25 क्या हो जाएगा, 25 by 13, ये क्या हो जाएगा -12 by 17, ये क्या हो जाएगा -24 by 7, ये क्या हो जाएगा 1 by 18। लाइकवाइज आप क्वेश्चन नंबर 4 5 बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, -1 का मतलब आप लोगों ने स्टैंडर्ड 7 में एक्सपोनेंट पढ़े हैं, ए बाई बी की पावर अगर -1 है इसका मतलब आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है, इसका इनवर्स कर देना है, तो इट विल बी बी अपॉन ए। तो यहाँ भी सेम वैसे ही आपको कर जाना है, 5 by 8 की पावर -1 का मतलब 8 by 5, यहाँ -4 by 9 का मतलब 9 by -4, यहाँ -7 की पावर -1 का मतलब -1 by 7, और यहाँ पर -3। अभी यहाँ नीचे जो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ये देखो, ये आप भी हम लोगों ने कल ही मैंने बताई आपको ये प्रॉपर्टी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 by 7 बाहर है, इंटू का साइन है, और अंदर में दोनों वैल्यू प्लस की, तो 3 by 7 पहले इससे इंटू होगा जैसे यहाँ लिखा है, फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ गया यहाँ, फिर 3 by 7 12 by 13 से इंटू होगा। ठीक है, एक सम बना देती हूँ मैं, बाकी आप खुद से बनाइएगा। मैं इसका सोल्यूशन भी साथ में आपको भेज दूँगी, सोल्यूशन भी आपको साथ में भेज दूँगी मैं, तो सोल्यूशन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 by 7 इंटू 5 by 6 प्लस 12 by 13। अब आपको ये दिखाना है कि ये इक्वल है 3 by, अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी देखूं तो आई नो द प्रॉपर्टी कि पहले 3 by 7 5 by 6 से इंटू होगा, फिर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन रखा, प्लस का साइन लिखने के बाद अब 3 by 7 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 12 by 13 से। आई हैव टू वेरीफाई, यानी कि एक तरफ ये सॉल्व करूंगी, एक तरफ ये सॉल्व करूंगी। ठीक है, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 by 7 इंटू एलसीएम लिया, 13 और 6 13 6 कितना होता है 78, 78 को 6 से किया 13, 13 5 65 प्लस 13 6 12 6 72। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 by 7 इंटू 138, सॉरी 137 होगा, 137 by 78। अभी 7 और 78 कैल्शियम, 7 और 78 कैल्शियम नहीं आएगा, 7 8 56 इंटू करना है, 7 इंटू 3 से कट रहा है कोई नंबर, ये कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18, 137 अपॉन 7 into 26। ठीक है, अब 7 into 26 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, 26 को 7 से 162, मीन्स 137 अपॉन 162। अब इधर भी 137 अपॉन 162 ही आना चाहिए, इक्वल इक्वल का साइन लगा देते हैं, देखें यहाँ कितने स्टेप में सॉल्व होता है। अभी ये कटेगा यहाँ से 3 और 6, 3 1 3। अब देखो इन दोनों को तो काट सकते हैं क्योंकि बीच में इंटू है, बट इधर वाली वैल्यू से इसको नहीं काटा जा सकता क्योंकि बीच में प्लस है। इन दोनों को भी काट सकते हैं क्योंकि बीच में इंटू का साइन है,
कैंसलेशन तभी पॉसिबल है जब दिए गए दो रैशनल नंबर के बीच इनटू का साइन है। तो अभी ये क्या हो गया, 5 1 5, 7 2 14 प्लस, अब इधर कोई नंबर कट नहीं रहा है, 36 और 91, ठीक है। अब 14 और 91 कैल्सियम यहाँ जल्दी से ले लेती हूँ, 14 और 91 का 7 से कटा, 7 2 7 13, अब नहीं कट रहा है, 13 2 26 26 7, यहाँ जो आया था 162, कैल्सियम इज 162, 13 5 65, 72, वेरी गुड, वी आर वेरी नियर, 60 70 130 137 अपॉन 162, हेयर इट इज ऑल्सो 137 अपॉन 162। देखो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो वी वेरीफाइड आर आंसर, आंसर वेरीफाई हो गया। प्लस देखो अब यहाँ दो सम बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नेम द प्रॉपर्टी, देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी -15/8 × -12, देखो एक जैसे दो नंबर खाली इधर उधर हो रहे हैं, मतलब नंबर्स आर चेंज, ये हो गई कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या है -2/3 × 7/8, और ये देखो ये आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ। यहाँ देखो ये अभी जो हमने सम सॉल्व किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है ना, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद आ रहा है ये सारी आइडेंटिटी कल मैंने पढ़ाई है आपको। ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, व्हाट इज दिस कॉल्ड, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब ये फिलअप्स आप खुद से भरोगे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, ये सारी फिलअप आपको खुद कर लेना है। क्लास, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाती है, ये एक्सरसाइज मैंने पूरी सॉल्व कर दी है, आपके पास पूरे दिन का टाइम है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो, आज के काम में आपको यही करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।